हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैम इंजन खराब। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया रहे, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो फ्रेंड, मेरे हाथ में एक देख रहे हो आप, M30S का पीस है। जैसा आपको पता है कि आज के टाइम में M30S एकदम लेटेस्ट चल रहा है कि इसका ऑटो रिस्टार्ट या फिर बोल दो कि पीस चालू ही नहीं होता, बंद हो जाता है। कभी चलते थे बंद हो गया तो पीस चालू नहीं हुआ, और कहीं दिखाए तो सीधा डायरेक्ट मदरबोर्ड बोलते हैं। कोई डबल टेकर का कहता है, तो कोई क्रिस्टल चेंज करो, तो कोई चार्जिंग आईसी चेंज करो, कोई क्या कहता है, कोई क्या। अलग अलग जितने भी हमारे मैकेनिक भाई होते हैं, अलग अलग उनकी माइंड, अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग तरीके से वो रिपेयर करते हैं। और कुछ सक्सेस हो जाते, कुछ नहीं हो पाते, और क्या होता है फिर से प्रॉब्लम जो है कि ठीक करके देता तो फिर 10 दिन में 15 दिन में फिर 1 महीने में या तो फिर 2 महीने में रिटर्न आ जाती है, और प्रॉपर सोल्यूशन इसका नहीं मिल पाता है। तो मेरी ऑलरेडी इस पर वीडियो बनी हुई है कई ठो वन प्लस M30S के, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो मेरे चैनल पे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको प्रॉपरली सोल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है डबल टेकर जो है कि रिबॉलिंग करने के बाद भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं हो पाती है, और थोड़े दिन में फिर प्रॉब्लम रिटर्न आ जाती है। और कई लोग क्या होता है हिट मार के दे देते हैं और फिर से रिटर्न आती है। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर आप से ना हो तो मत करें इसको, क्योंकि क्या होता है कस्टमर हमारे पास बहुत उम्मीद लेके आता है और भरोसा करके आता है कि हमारे पास कि यहाँ पीस बन जाएगा, और हम उसी पीस को फिर ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, अगर आपसे ना हो रहा है तो सीधा बोल दीजिए रिटर्न नहीं हो पाएगा या उनसे टाइम लेके आप किसी और मैकेनिक, आपसे अच्छे कोई मैकेनिक उनसे करवा लीजिए, बात करिए उनसे। अगर डबल टेकर काम करते हैं या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनसे पता है तो उनसे बात कीजिए और कस्टमर से बात कीजिए। इतना खर्चा लगेगा, थोड़ा खर्चा अगर आपको लगता है बढ़ाने तो बढ़ा दीजिए, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% हो सही करके दीजिए, ताकि कस्टमर आपके बने रहें, एक्टिव रहें और जाए ना। तो फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, आपको बता रहा हूँ मैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये चार्जिंग लगाने पर जो है वो चालू होता है। तो यहाँ पे मैं चलिए इसको चार्जिंग, मेरे पास ओरिजिनल केबल है और मैं चेक करता हूँ क्या होता है। वैसे एक्चुअल में ये भी फ़ोन कई जगह से घूम के आया, रिटर्न आया है और मेरे पास, तो आपको पता है फ्रेंड के कुरियर से पीस आते हैं मेरे पास बनने के लिए, आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ कोई मतलब कि इंडिया किसी कोने से। आप अगर कुरियर करना चाहते हो फ़ोन तो कुरियर कर सकते हो मेरे पास, और डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस मिल जाएगा आपको, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे भी एड्रेस मिल जाएगा, मैं वहाँ दे सकता हूँ, आप कुरियर कर सकते हैं और एकदम भरोसे से विश्वास से आप कर सकते हैं, आपका फ़ोन बन के आपके घर तक पहुँच जाएगा। और खर्चा भी जो है वाजिब लगेगा, क्योंकि क्या है फ्रेंड, अगर प्रॉपरली सोल्यूशन आपको चाहिए तो फिर थोड़ा खर्चा तो लगता है, आपको पता है, वरना आपको भी पता है कि आप भटकते रहोगे यहाँ पे, उनसे कराओगे वो 500 ले लेंगे, वो 300 ले लेंगे, वो 200 लेंगे, वो 1000 रुपये लेंगे, फिर आपका लेकिन प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, बार बार आपका आता रहेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर सोल्यूशन के लिए आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे से हो सकता है तो मुझे आप कुरियर फ़ोन कर सकते हैं। तो अगर आपको एड्रेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ले सकते हैं, और अदरवाइज़ कॉल कर सकते हैं मुझे नंबर पर या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँगा, जो मेरे दुकान का एड्रेस प्रॉपर है वहाँ पर मेरे पास 2-3 दिन में इंडिया के किसी भी कोने से आप भेजो, 2 से 3 दिन लगता है मेरे पास आने में, और फ़ोन 1 दिन लगता है बनाने में, 1 दिन लगता है चेक इन में रखने में, 2 दिन मेरे पास फ़ोन आएगा, 3रे दिन फ़ोन कुरियर कर दिया जाता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, आपको एक बात बता दूं कि आपको भी पता है अगर M30S आप कारीगर अच्छे हैं तो आपको पता है, अगर आपने M30S बनाया हो पीस तो आपको इतना नॉलेज है कि विदाउट बैटरी अगर आप चार्जिंग लगाएंगे तो ये फ़ोन चालू नहीं होता। ओनली सैमसंग का लोगो लिख के आता है, M30S लिख के आता है, बाकी फ़ोन चालू नहीं होता। जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक फ़ोन नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर पूरी बैटरी मैं निकाल दिया हूँ, उसके बाद भी खाली चार्जिंग लगाया हूँ और फ़ोन पूरा वर्किंग हो गया, ऑन हो गया है। तो फ्रेंड, आपको मैं बोर्ड की दिखा देता हूँ, बोर्ड का हालत क्या हुआ है, बोर्ड पे काम किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे काम किया गया है, ये डबल टेकर काम किया गया है। आप देख पा रहे हैं डबल टेकर काम इस पे किया गया ऑलरेडी पहले से ही,
थोड़ा जूम कर दूँ। लेकिन इस साइड इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, पूरा फ्रेश बोर्ड है, आप देख पा रहे हो। तो फ्रेंड हम आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम इसमें क्या है, चलिए हम दिखाते हैं इसमें क्या मेन प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड इसमें अगर आपके पास भी ऐसा सिचुएशन आए जो विदाउट बैटरी का फ़ोन चालू हो रहा है तो कुछ ना करना, क्योंकि कुछ करने लायक इसमें है भी नहीं। और मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, इसमें जो बैटरी लगी हो तो बैटरी निकाल लेना आराम से, और आपके पास अगर ओरिजिनल बैटरी पड़ी हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओरिजिनल बैटरी मेरा है, आपको कुछ नहीं करना, खाली M30S का ओरिजिनल बैटरी आपको लगाना है। और पीस आपकी 100% वर्किंग हो जाएगी। तो फ्रेंड बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि अब इस पर रेगुलर वीडियो आती रहेगी। फ्रेंड अब ये चैनल आपको रेगुलर वीडियो अपने अपलोड करता रहेगा, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड नहीं करता था क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अभी यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। और यहाँ पर फ्रेंड एक सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वर्किंग है। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी,